इसराइल हमास युद्ध के बीच लेबनान का हिजबुल्ला बार बार डंके की चोट पर इसराइल को जंग के लिए ललकार रहा है। हाल ही में हिजबुल्ला के मुखिया हसन नसरल्ला ने अपने एक संबोधन में कहा था कि वो इसराइल के साथ आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। वहीं आईडीएफ ने भी हिजबुल्ला के साथ सीधी जंग की एक योजना को मंजूरी दे दी है और इन पूरे घटनाक्रमों को देखकर लगता है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच कभी भी सीधी जंग छिड़ सकती है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुरुआत से ही नहीं चाहते कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच सीधी जंग हो, क्योंकि पिछले 8 महीनों से आईडीएफ पहले ही गाजा में जंग लड़ रही है, जिससे उसकी सैन्य ताकत में गिरावट आई है। लेकिन हकीकत में ऐसा लग रहा है कि इन सारी खामियों को दरकिनार करते हुए नेतन्याहू हिजबुल्ला के साथ जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हिजबुल्ला के साथ युद्ध करना इसराइल के लिए आसान होगा? तो आपको बता दें कि इसका जवाब है नहीं, क्योंकि खुद अमेरिका ने ये माना है कि हिजबुल्ला के साथ जंग में उसका एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर साबित हो सकता है। जी हाँ, जिस आयरन डोम को लेकर इसराइल अपनी अभेद सुरक्षा का दंभ भरता है, वही एयर डिफेंस सिस्टम उसका बोझ नहीं उठा पाएगा। और ये बात अमेरिका के 3 अधिकारियों ने सीएनएन न्यूज को बताई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि लेबनान के पास मिसाइलों और ड्रोन्स का एक ऐसा बड़ा जखीरा है जो आयरन डोम पर भारी पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इसराइल ने भी उनके सामने ये आशंका व्यक्त की है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को लगता है कि इसराइल लेबनान में जमीन और हवा से हमला करने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी लंबे वक्त से ईरान से गाइडेड हथियारों का जखीरा ले रहा है, जिसको लेकर इसराइल कई बार चिंता जाहिर कर चुका है। और इस सब के बीच हिजबुल्ला ने जून 2024 की शुरुआत में एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने आयरन डोम की बैटरीज को तबाह करने का दावा किया था। और पिछले कई दिनों से हिजबुल्ला ने इसराइल पर सटीकता से हमला करने वाले बम और मिसाइलें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि इन तमाम खबरों के बीच इसराइल के लिए राहत की खबर यह है कि अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि अगर इसराइल का हिजबुल्ला के साथ पूर्ण युद्ध होता है तो उसे अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो अमेरिका ऐसे हालातों में इसराइल को अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम देगा। हालांकि मौजूदा हालातों को लेकर अमेरिकी अधिकारी काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि इसराइल लेबनान पर हमला करने के लिए काफी गंभीर है। ये बात अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने मिडिल ईस्ट दौरे के दौरान अरब देशों के साथ कही थी। लेकिन अमेरिका इस बात को भी मान रहा है कि हिजबुल्ला आज के समय में ज्यादा ताकतवर है। उसके पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट्स और मिसाइलें हैं, और सबसे चिंता वाली बात यह है कि हिजबुल्ला के पास हजारों सटीक हमला करने वाली गाइडेड मिसाइलें हैं, जो इसराइल में भारी तबाही ला सकती हैं। इसको लेकर कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस का कहना है कि हिजबुल्ला के पास हमास से कई गुना ज्यादा लड़ाके हैं। हिजबुल्ला के पास 40 से 50,000 पैदल लड़ाके हैं। हालांकि हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला ने हाल ही में अपने संबोधन में कहा था कि हिजबुल्ला के लड़ाकों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। इसमें इलीट राडवान फोर्स के लड़ाके भी शामिल हैं, जिनके पास सीरिया में कई सालों की जंग का अनुभव है।